नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा जिला कार्य समिति की बैठक नगर पंचायत स्थित संस्थाइन एजुकेशन एकेडमी में आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद वर्मा ने की। बैठक के दौरान भाजपा के ओबीसी मोर्चा के विस्तार और मजबूती प्रदान करने को लेकर चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीरा यादव ने कहा कि भाजपा पार्टी सबको एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता बरगद के पेड़ के समान हैं, जिसके तने भी पेड़ के समान हैं। उसी प्रकार भाजपा के कार्यकर्ता भी एक समान हैं, चाहे वो युवा मोर्चा हो, ओबीसी मोर्चा हो या अन्य कोई भी हो। मोर्चा भले ही अलग अलग हो, लेकिन हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा, झारखंड की हेमंत सरकार सिर्फ झूठ और फरेब से राज्य चला रही है। हर क्षेत्र में सरकार आज विफल साबित हो रही है। सरकार अपने किए गए वादों के साथ ना होकर राज्य के नागरिकों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। वही प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव ने कहा कि किसी भी विभाग में ओबीसी के अधिकार को दबाया जाए तो इसकी सूचना प्रदेश कार्यालय में दें। निश्चित रूप से उस विभाग को जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा किसी सरकारी वैकेंसी में भी यदि आपको आरक्षण का लाभ ना मिला तो और उस पर संज्ञान लेकर आरक्षण का लाभ भी दिलाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस प्रकार 27% आरक्षण केंद्र में है, उसी प्रकार झारखंड में 14% आरक्षण को हटाकर 27% आरक्षण लागू करने की मांग है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार यदि इसे लागू नहीं करती है तो चरणबद्ध तरीके से भाजपा पार्टी झारखंड सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। अंत में स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर उपस्थित लोगों ने 1 मिनट का मौन धारण किया। बैठक में जिले के पदाधिकारी समेत 11 मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्य समिति सदस्य, अन्य पदाधिकारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। जहाँ जहाँ पर भाजपा की सरकार है, आप देख रहे हैं कि वहाँ पर लोगों को सुविधा मिल रही है, लेकिन आप यहाँ झारखंड में देखें तो आज हमें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। आज भी यहाँ पर सभी ओबीसी मोर्चा के लोग यही सोच रहे हैं कि हमें आज यहाँ हक नहीं मिल पा रहा है और आज संघर्ष करने की आवश्यकता हमें पड़ रही है। तो ये सरकार, हेमंत सरकार जो है, ना तो 27% जो आरक्षण है उसकी बात कर रही है, ना किसी भी क्षेत्र में कोई कार्य कर रही है। आज सभी ओर लोग निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। आप देख रहे होंगे कि अगर हम जो जंगल, जमीन, जल की बात करते हैं, झारखंड जो यहाँ की पहचान है, आज हर तरफ से लूट मची हुई है। बालू तस्करी की बात करें या किसी भी क्षेत्र में आप देख ले, खनिज संपदा की बात, तो सिर्फ और सिर्फ लूट। और जहाँ भी देखिए, कहीं ना कहीं ना तो लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है, ना तो हमारी माताएं बहनें सुरक्षित महसूस कर रही हैं, ना किसान वर्ग जो अन्नदाता हमारे हैं, उनको जो राशि मिलती थी वो राशि मिल पा रही, उसको भी बंद करा दिया गया है। तो हम एक एक क्षेत्र में लेंगे तो सारी चीज़ों की बात ऐसी हो रही है। आए दिन आप देखते हैं कि कभी भाजपा के पूर्व विधायक थे उन पर हमला हो जाता है, कभी आप देख रहे हैं कि जो हमारे पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, उन पे आज भाषा को लेकर के या जिस तरह भी लेकर के आज उनकी गाड़ी पे हमला हो जाता है, वो बाल बाल बचते हैं। एक तरफ आप देख लीजिए जो गढ़वा में हुआ, वहाँ पर जो दरोगा जो अभी सीबीआई जांच के लिए लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं, लालजी यादव जी की बात देख लीजिए, तो हर जगह कहीं ना कहीं लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है और शिक्षा व्यवस्था की तो हम बात ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आज आप अखबारों में देखे होंगे, लगातार आ रहा है कि जो उच्चतर संस्थान को जो रूसा के द्वारा जो उनको अनुदान मिलता था, अनुदान मिलने के लिए नायक से मूल्यांकन कराना पड़ता था, ताकि आप ए ग्रेड में हैं, बी ग्रेड में हैं, सी ग्रेड में हैं कि डी ग्रेड में, अगर डी में है तो सी में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, सी से बी जाने के लिए, बी से ए जाने के लिए। लगातार जब हमारी सरकार थी उस समय हम 6-6 महीने में कार्यशाला का आयोजन करते थे, जिससे कि जो भी प्रिंसिपल हैं महाविद्यालय के वो वहाँ पर जाते हैं और नैक के पदाधिकारी रहते थे, बातचीत होती थी और बहुत ही इजी वे में जो पेपर नहीं रहता था उसे लेकर के वो आगे बढ़ते थे और उनको अनुदान का पैसा मिलता था। अभी हर दिन खबर आ रही है कि उनके पैसे को भी अब रोका जाएगा, क्योंकि वो मूल्यांकन नहीं करा पा रहे। कोडरमा जिला में आने वाले समय में धरना है, उसकी तैयारी के लिए बात की गई और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी के कल्याण के लिए नीट में आरक्षण हो, सैनिक स्कूल के और केंद्रीय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा में आरक्षण हो, चाहे केंद्रीय पिछड़ा जाति आयोग का संवैधानिक दर्जा
देने की बात हो, जितने भी काम उन्होंने किए हैं उसके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी के इस कार्य समिति के माध्यम से धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। हेमंत सोरेन सरकार यह झूठ है और लूट की सरकार है, खनिज संपदा को लूटने वाली, जनता को धोखा देने वाली ये सरकार है। और इस सरकार के कार्यकाल में किस प्रकार से जो विधि व्यवस्था कमज़ोर है और जनता त्रस्त है, महिलाओं के साथ 3000 से अधिक महिलाओं के साथ 2 वर्षों में बलात्कार हुए, इन सारे विषयों को लेकर के एक निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। और ओबीसी मोर्चा ने एक संकल्प लिया कि आने वाला समय में राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने का और जनता को जन कल्याणकारी सरकार दिलाने का लिए वे सक्रिय रूप से काम करेगी।